परवरिश टिप भी घी से संबंधित है, बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए असली घी। असली घी किसका होता है? गौ माता वाला। असली घी थोड़ा सा पिघला लीजिएगा और उसकी दो दो बूंदे रोजाना, गर्म ना हो लेकिन, दो दो बूंदे रोजाना नाक में ऐसे यहां लगा लीजिएगा और ऐसे करके अंदर को ले लीजिएगा, इनहेल कर लीजिएगा और देखिएगा इससे दिमाग अच्छा होता है, सर दर्द दूर होता है। आप यदि तनाव के माहौल में रहते हैं और ऐसा करते हैं तो कुछ महीनों के बाद आपका दिमाग उस तनाव को सहने के लायक बनने लगता है, उस तनाव से परेशान होना बंद कर देते हैं। एक चीज और बताता हूं, विद्यार्थियों को अभी परीक्षाएं देनी है, सर में घी की मालिश करने लगे, आप देखना बड़ा लाभ होगा, दिमाग तेज होगा और याददाश्त बढ़ती है इससे। मान लीजिए आप नाक में घी लगाकर अंदर नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, घी को तवे पर डाल दीजिए, थोड़े से घी को, और उसको सूंघे, गहरा सूंघे, दिमाग तेज होने लगेगा। और उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें आप कुछ चने भी डाल दें, घी क्यों बर्बाद करें, चने भी डाल दें, चने भी भूनते रहें, ऐसे ही आप सूंघते भी रहें तो देखिए कितना मजा आएगा। पांचों उंगलियां घी में, जास्ता जी कह रही थी पांचों उंगलियां घी में और चने भुन गए घी में तो सर भी कढ़ाई में, यानी ये भुने हुए चने जो हैं ये शरीर में जबरदस्त ताकत देते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।